फंडामेंटल यूनिट भी बतला दिया। अब जो आपका मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो पहला है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, और ये डिस्टेंस ही आपका अभी जो जितने भी चीज़ें बताई जाएंगी, चाहे वो डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे वो स्पीड हो या वेलोसिटी हो, सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। इसलिए ध्यान को भटकाना नहीं है, साइंस पढ़ना है तो सेंस जरूरी है। इसलिए जो है आप लोगों को डिस्टेंस पे अच्छे से ध्यान लगाना है और अच्छे से चीज़ों को समझना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस समझते हैं। अभी इंडिया में जो सबसे खतरनाक टॉपिक चल रहा है वो है आपका कोरोना वायरस। और कोरोना वायरस कहाँ से आया है, अरे सबको पता है, चाइना के वुहान शहर से। कहाँ आया है, इंडिया, दिल्ली में, है ना, चाइना से आया दिल्ली में। तो कैसे आया, उड़ के, है ना, वो वहाँ से चाइना जो है अपना पेशेंट बिठाया प्लेन में और वो उड़ते उड़ते आ गया दिल्ली, है ना, और वो पूरे इंडिया में फैला दिया, लॉकडाउन करा दिया और आप लोग की मस्ती हो गई, स्कूल बंद, कॉपी किताब बंद, पढ़ाई लिखाई बंद, मस्ती चालू, बेटा मस्ती मत करो, है ना। तो चाइना से जब दिल्ली आया तो वो कैसे कैसे आया, प्लेन से उड़ा, पहले यहाँ से यहाँ गया होगा, यहाँ से फिर यहाँ आया होगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, है ना। तो मान लीजिए कि वो पी से क्यू तक गया, क्यू से आर, फिर एस टी, फिर यू, फिर भी, है ना, फिर डब्ल्यू पॉइंट तक आया। तो उसका जो इनिशियल पॉइंट था, ये पॉइंट पी, उसका जो इनिशियल पॉइंट था वो कहाँ से कहाँ, पी से डब्ल्यू तक आया। लेकिन पी से डब्ल्यू तक आने में वो बंदा पहले पी से क्यू गया, फिर क्यू से आर, फिर आर से एस, फिर एस से टी, फिर टी से यू, टू, इस तरीके से वो आया, है ना। अगर आप इसको लिखो, अगर आप इसका टोटल डिस्टेंस निकालने की कोशिश करो तो क्या लिखोगे, इसका जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल हो जाएगा पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस टी प्लस टी यू, फिर यू भी, है ना, फिर भी से डब्लू तक, है ना, इस तरीके से। ये तो टोटल डिस्टेंस हुआ। तो अगर आप मोटा मोटी तौर पे कह सकते हो तो कोरोना वायरस जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया था पी से डब्लू तक, है ना, वो क्या था, उसका एक्चुअल पाथ था, है ना, यानी कि जिस रास्ते से वो आया उसको। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिस रास्ते से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचता है, यानी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंचता है, जो उसका टोटल पाथ या फिर कह सकते हो एक्चुअल पाथ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं, है ना। तो अगर हम लोग डिस्टेंस का डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी, है ना। ये जो है वो क्या है, एक्चुअल पाथ है, है ना, जिस रास्ते से कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है। अब हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या था कि अगर वो इस रास्ते से ना होते हुए वो डायरेक्ट अगर पी से डब्लू आता है तब आप बोलोगे कि वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, है ना। अब आप देखो पी से डब्लू तक अगर इस वे में आएगा तो वो आपका लॉन्गेस्ट पाथ है, और पी से डब्लू अगर डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा तो वो आपका शॉर्टेस्ट पाथ है। यानी आप कह सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, जबकि डिस्टेंस जो होता है वो एक्चुअल पाथ होता है। वर्ड पे ध्यान देना, है ना, डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, एक्चुअल होता है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो आपका होता है शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, और यू कैन से दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, है ना, यानी कि P आपका जो है इनिशियल पोजिशन था और W जो था वो आपका फाइनल पोजिशन था। अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, इट इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, है ना। तो इनिशियल पॉइंट आपका पी था और डब्ल्यू आपका फाइनल पॉइंट था। तो इनिशियल पॉइंट और इनिशियल यू कैन पॉइंट या पोजीशन कुछ भी बोलो, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, है ना। पोजीशन ज़्यादा सुटेबल होता है, तो पोजीशन ही मैं लिख देता हूँ, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट को अगर डिफाइन करोगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन, ठीक है। एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। मान लो कि कोई पर्सन ए है, है ना, कोई पर्सन ए है जो पॉइंट पी से पहले क्यू जाता है और क्यू से वो चला जाता है आर तक, ठीक है। पहले पी से क्यू जाता है और क्यू से चला जाता है आर तक, और पी से क्यू तक वो जो चला वो था 4 मीटर और क्यू से परपेंडिकुलरली मुड़ गया वो 3 मीटर, है ना। तो इसका जो डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे वो करेंगे कि पहले P से Q निकालेंगे और Q से R निकालेंगे, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट मेजर करेंगे वो डायरेक्ट P से R निकालेंगे, क्योंकि शॉर्टेस्ट तो आपका PR है और लॉन्गेस्ट डिस्टेंस आपका PQ और QR है, है ना। तो हम लोग अब एक एक करके इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्टेंस निकालता हूँ, डिस्टेंस, तो इसका डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, 4 मीटर प्लस 3 मीटर, मतलब एक्चुअल पार्ट पी क्यू प्लस क्यू आर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 7 मीटर। और ये आपको ये ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 90 डिग्री है, इसका मतलब यहाँ इस ट्रायंगल हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पी आर की वैल्यू यानी डिस्प्लेसमेंट जो होगा आपका, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो आपका पी आर के इक्वल होगा, और पी आर निकालने के लिए हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा, यानी कि पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, है ना। पाइथागोरस थ्योरम अगर नहीं पता है तो मैं थोड़ा बतला दूं कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री हो जाए तो ये एंगल के सामने वाला जो पार्ट है वो कहलाता है आपका हाइपोटेनस, ये आपका कहलाता है बेस, और ये आपका कहलाता है परपेंडिकुलर, ठीक है। हाइपोटेनस को हम लोग एच से डिनोट करते हैं, बेस को बी से और परपेंडिकुलर को पी से, और फॉर्मूला जो उन्होंने दिया था वो क्या दिया था, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, है ना। यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला जो है पाइथागोरस के द्वारा दिया गया था, है ना, और उसी फॉर्मूला का हम यहाँ पे यूज़ किए हैं। यहाँ पे जो पी आर है वो आपका हाइपोटेनस है, है ना, और ये क्यू आर जो है वो है आपका परपेंडिकुलर और ये बेस है, ठीक है। तो यही फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज़ किया हूँ। अब एक एक करके मैं वैल्यू पुट करता हूँ, है ना, तो हम लोग क्या पाएंगे, तो हम लोग देखेंगे कि इसका हाइपोटेनस को पी आर का स्क्वायर लिखा गया है, और पी यानी परपेंडिकुलर आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, और पी क्यू को हम लोग क्या लिखेंगे, 4 मीटर का स्क्वायर। तो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 9 मीटर स्क्वायर और ये 16 मीटर स्क्वायर, तो ये ओवरऑल आ जाएगा 25 मीटर स्क्वायर, ठीक है, पी आर का स्क्वायर। अब पी आर का वैल्यू ये रेट स्क्वायर इधर गया तो रूट में, रूट 25 मीटर स्क्वायर, है ना। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 25 को 5 × 5, मीटर को मीटर इंटू मीटर, और हम लोग को पता है कि रूट के अंदर में जो चीज़ डबल होता है, ठीक है, जोड़े में जो होता है वो सिंगल निकलता है, तो ये 2 है तो ये कितना निकलेगा, 5, ये भी 2 है 5, यानी कि पी आर का वैल्यू कितना निकला, वो 5 मीटर निकला, है ना। अब आप कह सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट जो है पी आर आपका निकला 5 मीटर। नाउ आप ये चीज़ देख सकते हो कि डिस्टेंस जो है वो बड़ा है डिस्प्लेसमेंट से, यानी डिस्टेंस की जो मैग्नीट्यूड निकली है वो 7 निकली है और डिस्प्लेसमेंट की जो मैग्नीट्यूड निकली है वो 5 निकली है। इसका मतलब वाकई में डिस्टेंस जो था वो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस था और डिस्प्लेसमेंट जो था वो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था। अब इनसे जो कंक्लूजन निकल करके आता है वो क्या क्या आता है वो हम लोग देख लेते हैं।
तो पहला जो था आपका वो था डिस्टेंस, और दूसरा जो था वो आपका था डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो सबसे पहला चीज जो है वो है कि डिस्टेंस जो है वो क्या है, टोटल पाथ, या फिर कह सकते हो एक्चुअल पाथ कवर्ड। और इसका जो पहला चीज है वो क्या है, ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। ठीक है, डिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट है वो है आपका मीटर, ऐसा यूनिट मीटर, और इसका भी जो ऐसा यूनिट है वो है आपका मीटर। थर्ड वन जो है, डिस्टेंस जो है वो आपका स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी है। आप देखे भी होंगे जब हम लोग चाइना से इंडिया आ रहे थे कोरोना वायरस को लेकर के, तो उसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं था, पहले यहाँ 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 हर जगह डायरेक्शन चेंज हुआ था उसका, है ना, फिक्स डायरेक्शन नहीं था। जब फिक्स डायरेक्शन होता है तभी हम लोग उसका डिस्प्लेसमेंट को निकाल सकते हैं, है ना, यानी कि डायरेक्शन फिक्स होना चाहिए। और जो फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो क्या है, जो बाकायदा कभी कभी एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, तो इट कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव, इसका वैल्यू कभी भी जीरो या फिर नेगेटिव नहीं आ सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू जीरो और नेगेटिव दोनों हो सकता है। ठीक है, कैसे कैसे जीरो हो सकता है देखते हैं थोड़ा, है ना। मान लो कि छोटू नाम का जो लड़का था, है ना, वो यहाँ से दौड़ना, इन इस पॉइंट ए से दौड़ना शुरू किया, और दौड़ते 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 और फिर पॉइंट ए पे आ गया, यानी इसका इनिशियल पॉइंट जो था वो फाइनल पॉइंट के बराबर हो गया, है ना, इनिशियल पॉइंट जो था वो फाइनल पॉइंट के बराबर हो जाता है। और जब भी इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पोजिशन, फाइनल पॉइंट, फाइनल पोजिशन के बराबर हो जाता है, तब आप बोलोगे कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होती है, वो जीरो होती है, है ना। लेकिन अगर वो इस ए पॉइंट से दौड़ना शुरू किया और ए पॉइंट तक पहुंचा, और अगर आप उसको, अगर आपको उसका डिस्टेंस निकालना है, तो आपको सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, चूंकि वो सर्कुलर ट्रैक में रन किया था, तो वहां पे आप लोगों को क्या लगाना पड़ेगा, 2πr लगाना पड़ेगा। रेडियस पता होना चाहिए आप लोगों को, तब आप लोग पता लगा सकते हो कि मुन्नू या चुन्नू या छोटू जो भी था एक्स वाई जेड, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो डिस्टेंस ट्रेवल जो है सर्कुलर पाथ में, अगर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन इक्वल हो, तो हम लोग डिस्टेंस 2πr से निकालते हैं, और डिस्प्लेसमेंट जो है हमेशा क्या हो जाता है, आपका जीरो हो जाता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना।